फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉबेरीज के बारे में कि आपको प्रेगनेंसी में स्ट्रॉबेरीज खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, और स्ट्रॉबेरीज खाने के क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। तो स्ट्रॉबेरीज आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में, जितने भी स्ट्रॉबेरीज, केवीज हैं, अवोकाडोज हैं, ये अब हमारे देश में इनका काफी ज्यादा ट्रेंड है, लोगों को काफी पसंद आता है इनको खाना। इसीलिए मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आई हूँ कि क्या आप स्ट्रॉबेरीज खा सकते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज को स्ट्रॉबेरीज, कीवीज, ऐसे खट्टी मीठी चीजें खाने का मन करता है। तो स्ट्रॉबेरीज एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आपको सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको स्ट्रॉबेरीज कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस पहुंच पाए और उनकी हेल्प हो पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, हम स्ट्रॉबेरीज खाने के फायदे के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही सारे फायदे हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आपको स्ट्रॉबेरीज कब खानी चाहिए और कब नहीं खानी चाहिए। तो स्ट्रॉबेरीज का जो टेस्ट है वो थोड़ा खट्टा मीठा होता है, और जब लेडीज को स्टार्टिंग में नोजिया का प्रॉब्लम होता है उस टाइम पे स्ट्रॉबेरीज बहुत ही अच्छी रहती है, क्योंकि लेडीज को बहुत ही लिमिटेड चीजें हो जाती है जो खा पाती है, और स्ट्रॉबेरीज उनमें से ही एक चीज है जो कि महिलाएं आराम से खा पाती हैं। तो स्ट्रॉबेरीज बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सही तरीके खाना आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। तो चलिए हम इसके पहले फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरीज में मैग्नीशियम काफी होता है, कैल्शियम काफी होता है, जो कि प्रेग्नेंट लेडी की बोन्स को काफी स्ट्रॉन्ग करता है, हड्डियों को काफी मजबूत करता है, और ये बच्चे को भी वही न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है जिससे कि बच्चे की हड्डियां एकदम मजबूत होती हैं, जिससे कि बच्चे की हड्डियों का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होता है, जो टीथ आएंगे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आएंगे, जो कि बॉडी में बिल्कुल भी कैल्शियम वगैरह की कमी नहीं होगी अगर आप स्ट्रॉबेरी सही तरीके से खाते हैं। तो स्ट्रॉबेरीज में फॉलेट काफी मिलता है आपको, जैसे कि मैंने आपको कई वीडियोस में बताया था, फॉलिक एसिड आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जब आपकी प्रेगनेंसी शुरू होती है उसी दौरान से आपको फॉलिक एसिड्स के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है, और साथ ही साथ बच्चे की स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है, इसीलिए फॉलिक एसिड आपको जरूर दिया जाता है। तो स्ट्रॉबेरीज में आपको फॉलिक एसिड भी काफी मिल जाता है, साथ ही साथ स्ट्रॉबेरीज में आपको पोटेशियम भी काफी मिल जाता है। पोटेशियम क्या करता है, जो गर्भवती महिला है उसके शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो पाता है अगर उसकी बॉडी में सही मात्रा में पोटेशियम है। तो साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, और प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज को काफी प्रॉब्लम होती है, उनका हार्ट बर्न होता है, मतलब उनके सीने में थोड़ी जलन सी होती है, उसमें भी काफी हेल्प करता है स्ट्रॉबेरी। अगर आप स्ट्रॉबेरी खाते हैं तो आपको वो जलन जो है सीने में वो महसूस नहीं होती है। ब्लड प्रेशर को भी काफी कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादातर महिलाओं का जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा हाई हो जाता है, तो अगर आप स्ट्रॉबेरी सही तरीके से खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा। साथ इसमें विटामिन सी आपको मिल जाता है, विटामिन सी आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है, बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसके अंदर, साथ ही साथ आपका बच्चा जब पैदा होगा तो वो भी एक अच्छी इम्यूनिटी के साथ में पैदा होगा अगर आप सही तरीके से विटामिन सी इनटेक करते हैं। तो स्ट्रॉबेरी खाने से महिला के शरीर में खून की भी कमी नहीं होती, जैसे कि हम जानते हैं 5 महीने के बाद से महिला को आयरन के सप्लीमेंट दिए जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं के शरीर में खून की कमी होने लगती है। इसीलिए अगर आप विटामिन सी ठीक से खा रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज खा रहे हैं, तो महिला के शरीर में खून की कमी नहीं होती है। और साथ ही साथ स्ट्रॉबेरी जो है वो आपका शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है, जैसे कि मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को ये ज्यादातर महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको गेस्टेशनल डायबिटीज होती है, ये टेम्परेरी डायबिटीज होती है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होती है और प्रेगनेंसी के बाद ज्यादातर खत्म हो जाती है, लेकिन ये जो डायबिटीज होती है ये बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, ना ही माँ के लिए अच्छी होती है, साथ ही साथ डिलीवरी में भी काफी प्रॉब्लम होती है। सो इस केस में स्ट्रॉबेरीज काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। स्ट्रॉबेरीज जो है वो आपका शुगर लेवल कंट्रोल रखती है, डायबिटीज से आपको बचाती है, तो स्ट्रॉबेरीज काफी अच्छी होती है। साथ ही साथ ये विटामिन ए का भरपूर अच्छा सोर्स है, विटामिन ए गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं का देखने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, उनको थोड़ा सा आई वीक हो जाती है, और साथ ही साथ विटामिन ए हेल्प करता है बच्चे की आई साइड में भी, बच्चे
का जो आंखों का विकास है वो बहुत अच्छा होता है, तो ये माँ की आंखों के लिए, बच्चे की आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये सारे फायदे होते हैं स्ट्रॉबेरीज खाने के प्रेगनेंसी के दौरान। तो फ्रेंड्स अब अगर बात करें कि आपको स्ट्रॉबेरीज कब खाना चाहिए, वैसे तो स्ट्रॉबेरीज के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते प्रेगनेंसी में, लेकिन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी स्ट्रॉबेरी से एलर्जी रही है, चाहे आपको एलर्जी हो या ना हो, लेकिन अगर आपके परिवार में किसी को भी स्ट्रॉबेरी से एलर्जी रही है, तो इस केस में आपको स्ट्रॉबेरीज नहीं खानी चाहिए। लेकिन कई जगह पे कहा जाता है कि शुरुआती 3 महीने में आपको बेरीज नहीं खाना चाहिए, चाहे वो स्ट्रॉबेरीज हो, चाहे वो ब्लू बेरीज हो, चाहे रेसबेरीज हो, किसी भी तरीके की बेरीज को आपको पहले 3 महीने में नहीं खाना चाहिए। लेकिन कई जगह कहा जाता है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इस केस में आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या आपको खाना चाहिए या नहीं। वैसे तो ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक सेफ साइड रहने के लिए आप अपने डॉक्टर से एक बार इस बारे में बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ये वीडियो हेल्प कर सके। इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हमारे चैनल पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस, बेबी से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको ये